Hi friend, this is Taukeer Alam here. Today we are going to learn how to use in addition to in a sentence. Friends, मेरे सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि in addition to का यूज क्या है, तो आइए फ्रेंड्स आज इस कंसेप्ट को समझें। फ्रेंड्स, in addition to means इसके अलावा या इसके अतिरिक्त या इसको छोड़कर। कई बार फ्रेंड्स आपको अपने लाइफ में कहना होता है इसके अलावा, जैसे इसके अलावा मेरे पास दो और दोस्त हैं, या इंग्लिश के अलावा मैं हिंदी भी बोलता हूँ, पढ़ाने के अलावा मैं गाना भी गाता हूँ। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि मैंने कहा पढ़ाने के अलावा मैं गाना भी गाता हूँ, यानी ये जो पढ़ाने का काम है ये तो मैं करता ही हूँ, साथ ही साथ मैं गाना गाने का भी काम करता हूँ। तो फ्रेंड्स जब आपको कहना हो के अलावा तो आप कहते हैं इन एडिशन टू। कैसे बोलना है आइए एग्जांपल में इस बात को समझें। फ्रेंड्स ये बात याद रहे कि इन एडिशन टू के बाद एक नाउन आता है। फ्रेंड्स अगर लिखा हो इन एडिशन टू टीचर्स मेनी लीडर्स वर देयर, तो इसका मतलब हुआ टीचर्स के अलावा बहुत से नेता वहां थे, यानी टीचर्स तो वहां थे ही, उनके अलावा वहां बहुत सारे लीडर्स भी थे। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है इन एडिशन टू क्रिकेट, क्रिकेट के अलावा आई प्लेड चेस ऑल्सो, मैंने शतरंज भी खेला, यानी मैंने क्रिकेट तो खेला ही, इसके अलावा मैंने शतरंज भी खेला। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि इन एडिशन टू मीन्स के अलावा, यानी इस काम के अलावा मैंने कोई और काम भी किया। फ्रेंड्स आप एक बात याद रखेंगे कि इन एडिशन टू प्लस नाउन के बाद कॉमा होती है, और इन एडिशन टू को आप सेंटेंस के शुरुआत में या फिर आप इसको आखिर में लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है ताकि आप बात समझ सकें। दे अर्न फेम, वे शोहरत कमाए या वे नाम कमाए। इन एडिशन टू मनी, पैसा के अलावा, यानी पैसा के अलावा वे शोहरत कमाए। तो फ्रेंड्स यहाँ सेंस है पैसा तो वो कमाए ही, साथ ही साथ वे शोहरत कमाए। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि इन एडिशन टू का यूज मैं सेंटेंस के आखिर में किया हूं, और चाहे आप इन एडिशन टू का यूज शुरुआत में करें या आखिर में, आपको कॉमा देना हो। आइए फ्रेंड्स एक एग्जांपल और देखते हैं। इन एडिशन टू हिंदी, हिंदी के अलावा आई स्पीक इंग्लिश टू, मैं अंग्रेजी भी बोलता हूँ, यानी ये काम तो मैं करता ही हूँ प्लस मैं वो काम भी करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझें तो इसका क्या मीनिंग होगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आंसर जरूर दीजिएगा, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।